हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कौशल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लास में मैं आप सभी को मैथ के ऐसे क्वेश्चंस को बताने वाला हूं जो आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और जो बगल वाला बेल आइकन है उसे आप जरूर दबाइए। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने में दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, कहता है कि यदि ए पर पावर बी बराबर 125 है तो आपको बताना है ए माइनस बी पर पावर ए प्लस बी माइनस 4 का मान क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक से दो तो रहेगा ही। तो चलिए हम देखते हैं कैसे आप इसे यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये वाला मान लाने के लिए यहाँ पर आपको चाहिए किसका मान, एक तो चाहिए ए का और एक चाहिए बी का। अगर ए और बी का मान यहाँ पर आपको पता चल जाए तो ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो वो देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, ए पर पावर बी और बराबर है 125। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पर पावर बी बराबर 5 का क्यू। अगर 5 का अगर क्यू करते हैं तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब यहाँ से आपका ए और बी का मान पता चल जाएगा। कैसे, तो देखिए, ए बराबर तो यहाँ पर आपका 5 दिया हुआ है ही और बी बराबर क्या होगा, बी बराबर आपका 3 होगा। तो अब आपका यहाँ पर निकल चुका है ए और बी का मान। जैसे ही ए और बी का मान यहाँ पर निकल जाएगा तो आपको यहाँ पर ये वाला लाने में आसानी होगा, आराम से आप इसे ला सकते हैं। क्या है, यहाँ पर a माइनस बी है और इस पर पावर है आपका a प्लस बी और माइनस आपका 4 है। तो ये वाला जो आया है मान, इसमें हम पुट कर देते हैं तो a है आपका 5 और b है आपका 3 और इस पर पावर है a प्लस बी माइनस 4। तो a आपका 5 है, b आपका 3 है और माइनस आपका हो जाएगा 4। तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 5 और 3 8, 8 में से आपका 4 जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा, यानी कि 2 पर पावर 4। अब 2 को गुना करना होगा 4 बार, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दुनी के 4 होता है, 4 दुनी के 8 होगा, 8 दुनी के 16, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 16। ऑप्शन ए आपका सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं और आज के इस वीडियो में मैं इसी तरह के क्वेश्चन को बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि यदि 3 पर पावर एक्स प्लस 3 प्लस 7 बराबर 250 है तो आपको x का मान यहां पर बताना है, x का मान क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन यहां पर हम लिखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 3 पर पावर एक्स प्लस 3 फिर आपका प्लस 7 और बराबर में आपका 250 है। अब देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में रहेगा तो एग्जामिनर कुछ सोच समझ के ही क्वेश्चन यहाँ पर सेट करता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो 7 आपको प्लस में यहाँ पर दिख रहा होगा इसे आपको उधर दे देना है। तो देखिए, 250 में से जब आप 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 243 बचेगा। अब देखिए नीचे में आपका क्या बच गया है, 3 पर पावर x प्लस 3 और बराबर में आपका कितना है, 243 है। अब देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा 3 पर पावर यहां पर कितना है, x प्लस 3 है। तो यहां पर कहीं ना कहीं 3 का पावर ही होगा, 3 का पावर होगा। तो चलिए हम देखते हैं 3 को गुना करके, तो 3 को जब 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 को जब 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और 81 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो आपका 243 हो जाएगा। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि 3 को इस तरह से हम लिख सकते हैं, 3 पर पावर 5। तो यहां पर देखिए, 3 पर पावर यहां पर दिया हुआ है x प्लस 3 और इसके बराबर में यानी कि 243 की जगह लिख देंगे यहां पर 3 पर पावर 5। ठीक है, तो बेस तो आपका हो गया सेम। जब बेस हो जाएगा सेम तो बेस को आपको भूल जाना है, देखना है आपको पावर को। तो पावर क्या है, x प्लस 3 बराबर में आपका क्या है, 5 है। अब ये 3 जो यहां पर प्लस में है तो आप जब आप उधर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि 5 में से जब 3 जाएगा तो x बराबर कितना बचेगा, 2 बचेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 2। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को। चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 1 प्लस 1 बाय एक्स इंटू 1 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 3। क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन देखते के साथ ही एग्जाम में से स्किप कर देते हैं, सोचते हैं कि ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसे तो टच ही नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है, मैं आपको बताने वाला हूं कि कितना ये इजी होता है, आप तुरंत इसका जो है आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, तो वो देखिए, हम देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, अगर इसे अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा। इसे अगर आप सॉल्व करते हैं, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इनटू में है तो गुना में तो आप इससे रहने ही दीजिए, ये आपका हो जाएगा x प्लस 1 और ये प्लस है तो हो जाएगा x प्लस 2 और y आपका हो जाएगा x प्लस 1। फिर आपका इनटू में, फिर इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो x प्लस 2 और फिर 1 तो हो जाएगा आपका x प्लस
थ्री और बट्टे में आपका हो जाएगा x प्लस टू, फिर आपका इंटू, फिर यहाँ पर देखिए x प्लस थ्री है तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो x प्लस थ्री और एक चार हो जाएगा यानी कि x प्लस फोर और बट्टे में आपका हो जाएगा x प्लस थ्री। अब देखिए कैसे ये कैंसिल होगा, ये और ये एक जैसा है, कैंसिल कर दीजिए x प्लस टू और x प्लस टू, ये भी आपको एक जैसा दिख रहा होगा, इसे भी आप कैंसिल कर दीजिए क्योंकि ऊपर नीचे हम काट सकते हैं। फिर देखिए x प्लस थ्री है और यहाँ पर भी आपको x प्लस थ्री दिख रहा होगा, ये भी कट गया। लास्ट में बचा क्या, तो x प्लस फोर और बट्टे में आपका बचा है x, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, x प्लस फोर वाई एक्स। कितना इजी क्वेश्चन था, आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर दिखे तो उसे आप एक बार सॉल्व करने की जरूर कोशिश करें, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, कहता है कि यदि x बराबर 7 माइनस 4 रूट 3 है तो आपको बताना है x प्लस 1 बाय x का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर x का मान तो हमें पता है, x का मान कितना दे रखा है, 7 माइनस 4 रूट 3 यहाँ पर दे रखा है। हमें निकालना है किसका मान, 1 बाय x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे तो वो देखिए, हम देखिए इस x को अगर हम 1 बाय x लिखते हैं तो हमें ये 7 माइनस 4 रूट 3 को भी यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, 1 बाय 7 माइनस 4 रूट 3 लिखना होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस 7 माइनस 4 रूट 3 को ऊपर ले जाने के लिए एक जैसा संख्या से हमें गुणा करना होगा। कैसे, तो देखिए 7 प्लस 4 रूट 3 और बट्टे में आपका हो जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3। अब देखिए इसे अगर आप कैंसिल भी करते हैं तो एक ही आ जाएगा, अगर एक से गुणा करते हैं किसी संख्या को तो वो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऊपर में देखिए आपका क्या हो गया, 1 बाय एक्स का मान हो जाएगा, ऊपर में आपका हो जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3। नीचे में अगर आप देखते हैं तो 7 को आप मान लीजिए ए और 4 रूट 3 को मान लीजिए आप बी, इधर भी 7 को मानते हैं ए और यहाँ पर 4 रूट 3 को आप मान लेते हैं क्या, बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस का साइन दे दीजिए, यहाँ पर प्लस है तो प्लस का साइन दे देते हैं और ये क्या है, गुना में है। ये अब आपका फॉर्मूला क्या बन गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। जब ए का स्क्वायर हो गया तो हमने किसको माना है, तो ए माना है हमने 7 को, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। सबसे पहले आप 49 यहाँ पर लिख दीजिए, फिर देखिए माइनस है तो माइनस का साइन हम यहाँ पर दे देते हैं। अब है बी का स्क्वायर, अब देखिए बी हमने किसको माना है, 4 रूट 3 को हमने बी माना है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो 16 होगा। अब देखिए रूट 3 और रूट 3 को जब हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ आपका 3 होगा, तो 16 या 48। तो जब 49 में से 48 आप माइनस करेंगे तो आपका बचेगा कितना, तो आपका बचेगा सिर्फ 1, यानी कि नीचे में कितना बच गया, सिर्फ 1 बच गया। हमें देखिए यहाँ पर x का मान मालूम है कितना है, 7 माइनस 4 रूट 3 है और यहाँ पर आपको क्या निकालना था, 1 बाय x का मान निकालना था, तो हमने यहाँ पर निकाल दिया 1 बाय x का मान कितना है, 7 प्लस 4 रूट 3 है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर जोड़ का साइन है, तो कितना हो जाएगा, प्लस 7 प्लस 4 रूट 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस में 4 रूट 3 है और यहाँ पर प्लस में 4 रूट 3 है, तो आपस में ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7 और 7 यहाँ पर सिर्फ बचा हुआ है, तो दोनों को जब आप यहाँ पर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14। अब यहाँ पर देखिए हमने जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको समझाया है सिर्फ फालतू का, ये हम एग्जाम में नहीं करते हैं। डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि इसे लिखते हैं और हमें मालूम होता कि नीचे का तो मान तो एक ही आने वाला है, तो ऊपर में क्या करते हैं, सिर्फ प्लस कर देते हैं, यानी कि देखते के साथ ही इसे बिना पेन पेपर के भी आप सॉल्व कर सकते थे। अगर आपने सोल्यूशन इसका देखा होगा अच्छे से तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को आप आराम से बिना पेन और पेपर के इसे सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। x प्लस 1 बाय एक्स बराबर रूट 3 है तो आपको बताना है एक्स क्यू प्लस 1 बाय एक्स क्यू का मान क्या होगा। अगर हमसे ये क्वेश्चन कोई बंदा पूछता तो हम तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर करते हैं 0। इसका राइट आंसर क्या होगा, 0 होगा। कैसे होगा तो वो आप समझिए, इसका एक ट्रिक है और बेसिक भी है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि आपको ट्रिक बताता हूं। इसका ट्रिक है एक्स क्यू माइनस 3x, बस इतना आपको करना है आपका आंसर आ जाएगा। तो x आपको क्या मानना है, तो x मानना है आपको रूट 3 को, क्यों करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 रूट 3 हो जाएगा।
फिर क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यहाँ पर 3 है तो 3 रहने दीजिए, एक्स हमने क्या माना है, एक्स माना है रूट 3 को, तो जब रूट 3 हम यहाँ पर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 रूट 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 रूट 3 में से 3 रूट 3 को जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 0 बचेगा। तो यही तो आपका आंसर यहाँ हमने बताया था, यही आपका आंसर होगा 2a plus b y a plus 4b बराबर 3 है। तो आपको बताना है a plus b y a plus 2b का मान क्या होगा। अब कुछ लोगों को तो समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो समझिए कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। यहां पर देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि a और b का मान यहां पर ढूंढने लगते हैं कि a और b का मान हम कैसे निकाल सकते हैं यहां से। लेकिन एक काम यहां पर अगर करें कि अगर हम यहां पर a का ही मान निकाल लें, तो a का अगर हम मान निकालेंगे तो a बराबर तो b का मान आएगा, a का मान की जगह पर हम b का मान पुट कर देंगे तो b भी यहां पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, पहले आप समझिए कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये हम यहां सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या है 2a plus b, y आपका दिया हुआ है a plus 4b और बराबर में आपका 3 है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2a plus b और बराबर में आपका हो जाएगा 3a plus 12b, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस 2a को भेज देते हैं उधर, तो 3a में से 2a जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ आपका बचेगा a। अब देखिए ये आपका क्या है, ये आपका प्लस में है, जब आप इधर भेजेंगे तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस 12b हो जाएगा, माइनस 12b और प्लस b, तो आपका सिर्फ क्या बचेगा, माइनस 11b बचेगा। अब आपको यहां पर a का मान तो पता चल गया कितना है, माइनस 11b। अब देखिए यही वाला मान हम क्यों ना यहां पर पुट कर दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा कैसे, तो वो देखिए a बराबर कितना आया है, माइनस 11b, तो a के जगह पर हम क्या करते हैं, माइनस 11b लिख देते हैं, और प्लस में तो आपका पहले से b था ही, तो इस b को रहने दीजिए। फिर नीचे में देखिए a है, तो a की जगह पर हम क्या करेंगे, माइनस 11b लिख देंगे, और प्लस में आपका कितना है, 2b है, तो 2b हम यहां पर लिख देते हैं। इधर आप अगर इसे करते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस 10b हो जाएगा, और नीचे में आपका हो जाएगा माइनस 9b। माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, b से b ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा कितना, 10/9, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 10/9। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा ही जाएगा। आज का ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जाते जाते इस वीडियो को अपने फेसबुक पे जरूर शेयर कीजिए, और अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बगल वाला बेल आइकन का जो घंटी है उसे आप जरूर दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू ऑल ऑफ यू।